सवाल यह है कि ख्वाब में अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियारत हो तो उसकी क्या ताबीर है? अगर कोई आदमी नबी सल्लम को ख्वाब में देखे आपकी असली आपकी हालत में, यानी नबी सल्लम का जो चेहरा मुबारक था उस चेहरे मुबारक के साथ देखे, तो ये ख्वाब सही है, ये इसको तस्लीम करेंगे। लेकिन ये कौन देखेगा? इस वक्त दुनिया में जितने आदमी मौजूद हैं या हमसे पहले जो आदमी मौजूद थे साहबा के बाद, उनमें से कोई भी नहीं ये दावा कर सकता कि मैंने जरूर बेजरूर अल्लाह के रसूल को देखा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम का चेहरा मुबारक हमने देखा हुआ नहीं। जब साहबा कहते थे ना कि अल्लाह के रसूल सल्लम को हमने देखा है, तो उनकी बात बिल्कुल सही थी, ये बिल्कुल हदीस थी। साहबा के बाद अब क़यामत तक कोई आदमी भी कहेगा ना, तो उसका दावा ही दावा है, उसकी तस्दीक नहीं की जा सकती, उसको आप किताबों सुनने पर पेश करेंगे। और दो मेरे दोस्त थे, दोनों ही देवबंदी थे। एक कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ये हदीसों से बच करो, और दूसरा कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल फरमाए तबलीगी जमात वालों से बच करो। तो फजूल बात है, इसका कोई सबूत नहीं। खाम का अच्छा, बाद लोगों से आप पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम की शिकल बयान करो। एक आदमी ने मेरे सामने बयान की, कहता कि बड़ा नूरानी चेहरा था, बिल्कुल सफेद दाढ़ी थी और बड़ा नूरानी चेहरा। तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम की तो दाढ़ी सफेद नहीं थी, आपकी तो काली दाढ़ी थी, कुल 18 के करीब 20 के करीब बाल जो है आपके सफेद नहीं है, वो भी यहां पर, तो 20 बाल तो थोड़े से बाल होते। तो मैंने कहा कि आपने फिर अल्लाह के रसूल सल्लम को देखा नहीं, तो इसलिए ये बातें इनका कोई सबूत नहीं है। अगर कोई आदमी अल्लाह के रसूल सल्लम को आपकी सही सूरत में देख ले तो फिर वो सही है, लेकिन इसका सबूत तो अब दुनिया में नहीं हो सकता है, मरने के बाद ही पता चलेगा।